जी बहुत शुक्रिया। और अब मैं मुल्तमिस हूँ सुल्तान शाहीन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला आपके सामने पेश करें। वो मुख्तसरन इंशाल्लाह अपने मकाले का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे और हमारी कोशिश होगी कि औकात मगरिब के दौरान में ही नमाज मगरिब के लिए हम इकट्ठे जाके बाजीमान नमाज पढ़ सकें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी साहिब सदर और हाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। मकाला तो तवील है, मैं सारा मकाला तो नहीं पढ़ूंगा, इसमें से एक पैरा बल्कि उसको भी थोड़ा इख्तसार करके पैरे से भी कम पढ़ूंगा। मकाला इंशाल्लाह बुक में जब छप जाएगा तो वो आप तक पहुंच जाएगा। मकाला उनको दे दिया गया है तो इसलिए मैं, और बाकी यह है कि मकाला सारा पढ़ने की इस स्टेज पर इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि इस वक्त तक हिंदको के इंतज़ामिया ने, हिंदको ज़बान वालों के इंतज़ामिया ने और उनके जितने भी अहबाब हैं उन्होंने इतनी मेहनत और कोशिश कर ली हुई है, उस तरह के काम चलने वाला नहीं है। अब आगे तो हिंदको के फ्यूचर को देखना है और इसको ये देखना है कि मुस्तकबिल में हिंदको जो है इसका दुनिया में क्या मुकाम होना है, उसको पेश नज़र रखते हुए तो मैंने तो चंद लाइनें इसमें से अर्ज करूँगा अपने मकाले में से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर अर्ज करूंगा। ना हो जिसमें इनकलाब, रूहे उमन की हयात कशमकश इनकलाब। और हिंदको जुबान की इस वक्त तक की पेशरफ्त और आज के इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये कहा जा सकता है कि हिंदको जुबान का मुस्तकबिल ना सिर्फ ये कि बहुत बेहतर है बल्कि रोशन से रोशन तर है इंशाअल्लाह ताला। अब मैं अपने मकाले में से चंद लाइनें में अर्ज करूंगा, फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला ने वजूद आदम तख्लीक करके इसे अपनी सिफात का हामिल बनाया, इसे अपनी बात सिफात का हामिल बनाया, जिसकी वजह से इब्तदाई जमाना से ही इसके रवैये और तबीयत में उरूज व जवाल की ख्वाहिश उंगड़ाइयां लेती रहती है। फितरत इंसानी के इसी अदम सुकून का एजाज है कि इसने नाहमवार और गैर आबाद पूरा अर्ज को अपनी मेहनत, लगन और जज्बों की सच्चाई से सरसब्ज व शादाब और रंगो रोशनियों से मुजीन कर दिया। इर्तकाए जीस के सफर में तहजीबों के तसादुम से कुछ जमाने, नस्लें और कौमें वक्त के साथ साथ मादूम होती चली गईं, जबकि बाज नई तहजीबें, सकाफतें, नस्लें और जबानें वजूद में आती गईं, जिनमें से बाज जुबानें और तहजीबें अपनी खसूसी कशिश और खूबसूरती की बिना पर ता देर बल्कि ता हाल एतलाए बे मिसाल के सफर पर गामजन हैं। गंदारा तहजीब व तमद्दुन और इनको जुबान में अजमना कदीम से न सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखा हुआ है बल्कि जमीन पर खुदी की ताकत से अपना तसल्लुक बढ़ाती चली जा रही है। मैं इसमें से चंद लाइनें छोड़ के आगे पढ़ूंगा। अपने अदबी, इल्मी और आरफाना कलाम के जरिए हिंदको जुबान को दुनिया में मुतारफ करवाने में हजरत अहमद अली साईं रहमतुल्लाह अलैह का नाम हिंदको वान तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा, जिन्होंने अपनी आफाकी शायरी और तालीमात के जरिए हिंदको जुबान को दवाम बख्शा। हिंदको जुबान में आपकी शायरी इंसानी इस्लाह और अमन सलामती के लिए एक सनद का दर्जा रखती है। आप सिर्फ शायर ही ना थे बल्कि तसव्वुफ, इज्तिहाद और रूहानियत के आला मुकाम पर फाइज थे। इसीलिए तो खुद शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी आपकी तौसीफ में रतबुल लिसान रहे हैं। हिंदको जुबान आपके इस एहसान पर हमेशा फख्र करती रहेगी। इसके अलावा भी हिंदको जुबान को बुलंद पाया अदीब, दानिश्वर और शायर नसीब हुए, जिनकी वजह से ये जुबान जिंदा जावेद होकर चार सू अपनी दिल फरेब खुशबू फैलाती चली जा रही है। दौरे हाजिर में इसने कई कदावर महरीन लिसानियात, शायर, अदीब और रूहानी शख्सियतें पैदा करके जमीन के चप्पे चप्पे पर फैला दिए हैं, जो इस धरती माँ की शनाख्त बनकर दमक रहे हैं। आखिरी फिक्रा रह गया था, आधा फिक्रा।
دورِ حاضر میں اس زبانِ کئی قد آور مہرینِ نسانیات، شاعر، ادیب اور روحانی شخصیتیں پیدا کر کے زمین کے چپے چپے پر پھیلا دیے ہیں، جو اس ماں دھرتی کی شناخت بن کر دمک رہے ہیں اور شبانہ روز اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔